सहारनपुर के नागल में आधी रात को खेत में पानी देने गए गांव पहाड़पुर निवासी किसान संजय पुत्र दिलेराम की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। सूचना के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना नागल क्षेत्रांतर्गत खेत पर सो रहे एक व्यक्ति को हमला कर गंभीर घायल कर दिया था। चिकित्सालय ले जाने पर घायल को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर देने की सूचना पर थाना नागल पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिजन की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो अभियुक्त घटना में शामिल है शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। आपका नाम? अजीत सैनी। कहाँ के रहने वाले? पहाड़पुर। ये जो घटना हुई है क्या लगता है? वो चाचा ही थे हमारे। क्या मामला है? मामला तो कुछ नहीं था। देखो वो ना पानी चलाने के लिए गए थे खेत में। पानी चलाते हुए पता नहीं क्या हुआ, उनके चक्कू मारा किसी ने मारे गर्दन पे। क्या दुश्मनी? तो थी नहीं किसी से। ना जी फिलहाल तो कुछ पता नहीं लग पा रहा। कानूनी कार्रवाई तो चल रही फिलहाल। आपको पता कैसे लगा? वो घर पे आए थे फिर एकदम से ही चक्कू लगे लगे घर पे आ गए थे। क्या चाहते हैं? हम तो कार्रवाई चाहते हैं फिर जिस जिसने करा उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या इनके परिवार में? इसके परिवार में एक भाई है, इनका एक छोटा भाई है, दो बच्चे हैं इसके, एक लड़का एक लड़की है। आज सुबह थाना नागल पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पहाड़पुर निवासी एक व्यक्ति जो कि अपने खेत पर सो रहे थे, उसे किसी अज्ञात अभियुक्त द्वारा गले पर किसी धारदार हथियार से हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और वहां से फरार हो गया। और इसके बाद परिजनों द्वारा जो घायल व्यक्ति है उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। इस सूचना पर तत्काल थाना नागल की पुलिस, फील्ड यूनिट एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं वहां पर जरूरी साक्ष्य संकलन किए गए। परिजनों की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध 302 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी अभियुक्त इस घटना में शामिल है शीघ्र ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा और घटना का सबल अनावरण किया जाएगा।